ए एवरी वन वेलकम टू फोरेंसिक स्टेशन आज हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो वट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द फर्स्ट माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपिज इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग एवरी स्मॉल थिंग्स विजिबल टू द ह्यूमन आई मतलब अगर छोटी से छोटी चीज भी उसे हम देख पा रहे हैं अपनी ह्यूमन आई से इज़ विद देल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप तो उसमें हमारा मेन जो माइक्रोस्कोप जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प आउट कर रहा है तो इन माइक्रोस्कोप्स में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स सो एमोंग दैम वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो वट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये एक टेक्निक है माइक्रोस्कोप्स की जिसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स को मतलब यहाँ पे जो अगर हम सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन पे हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ कर रहे हैं दिस इलेक्ट्रॉन बीम्स को हम यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द स्पेसीमैन और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं ये कैपेबल होती हैं लाइक मच हायर मैग्नीफ़िकेशन के लिए एंड हैव अ ग्रेटर रिजोल्विंग पावर दैन लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा क्यों होता है बिकॉज क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है तो उस वजह से जो इनकी रिज़ोल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है तो अलाइंग इट टू सी मच स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इन फाइन डिटेल्स मतलब हम फाइन डिटेल्स वगैरह में भी हमें जो ये ऑब्जेक्ट्स uh, वगैरह हैं उन्हें हम इजीली देख सकते हैं नेक्स्ट वी हैव द हिस्ट्री अगर हम डेवलपमेंट देखें कि हमें इलेक्ट्रॉन uh, माइक्रोस्कोप जो है ये बनाया किसने है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये दिया गया है डॉक्टर अर्नेस्ट रोस्क एंड मैक्स मैक्नॉल इन दोनों ने डेवलप किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन इन नाइनटीन थर्टी वन एंड इस काम के लिए जो अर्नेस्ट रोस्क हैं उन्हें डॉक्टर अर्निस्ट रोस्क को नोबल प्राइज़ भी मिला गया है फिजिक्स के लिए इन 1986 में ओके एंड इफ़ यू अबाउट द प्रिंसिपल की लाइक like, किस बेसिक प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट्स बेसिकली फॉर द मैग्निफिकेशन एंड इमेज फॉर्मेशन तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हो रहा है इसके लिए इमेज फॉर्म्ड के लिए और मैग्नीफिकेशन के लिए भी यहाँ पे मेन वर्क जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है और सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शॉर्टर वेव सो उनको हम बेटर रेजोल्यूशनस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है कि इमेज लाइक माइक्रोस्कोप्स वही ज़्यादा बेटर होते हैं जिसमें हम ज़्यादा एक अच्छी और क्लियर इमेज जो है हम देख सकते हैं तो एक क्लियर इमेज जो है वो डिपेंड करती है ऑन द थ्री फैक्टर एट इज़ मैग्नीफिकेशन कॉन्ट्रास्ट एंड रेजोल्यूशन और जो इमेज यहाँ प्रोड्यूस्ड होती है वो रिवील करती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिमेन तो ओके सो वट इज मैगनीफिकेशन मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि जो द ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोजेक्टर कॉयल्स ये दोनों जो कॉयल्स हैं ये हेल्प करती हैं मैग्नीफाई करने के लिए इमेज को कि अगर हमें जो इमेज फॉर्म्ड हुई है ना उस इमेज फॉर्म्ड को अगर हमें मैग्नीफाइड करना है मतलब उसको हमें और जूम और enlarge करके देखना है और enlarge करके देखना है तो उस एनलार्जिंग के टाइम पे मतलब इमेज जो है हमारी एकदम एक हाई लेवल तक जहाँ तक हम चाहें उस लेवल तक वो मैग्नीफाइड uh, हो सके तो उसके लिए अगर हमें एक मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो उसके लिए हम एक इंटरमीडिएट कॉयल बीच में यूज़ करते हैं हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टर कॉयल के बीच में एक इंटरमीडिएट कॉयल को यूज़ करना होता है एंड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी गेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ अप टू हंड्रेड थाउजेंड एक्स ओके एंड इन रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर क्या है रिजॉल्विंग पावर uh, जैसे कि इट्स लिमिटेड बाय द वेव लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर्मिंग द इमेज जो हम इमेज फॉर्म करने के लिए जो एल्यूमिनेशन ले रहे हैं ना उसकी वेव लेंथ पर डिपेंड करता है हमारा रिजोल्विंग पावर जितना वेव लेंथ कम होगा उतना हमें स्मॉलर डिटेल्स जो हैं वो ईजिली देख पाएंगे और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स है वह शॉर्टर वेव लेंथ इसलिए उनकी जो रिजॉल्विंग पावर है बहुत ज़्यादा ही अच्छी है रिजॉल्विंग पावर मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को मैग्नीफाइड कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन के साथ साथ हमें जो उसकी डिटेल है कई बार क्या इमेजेस जो हैं अगर वो अच्छे उसकी ना हो अच्छे मतलब क्वालिटी की ना हो इमेजेस तो वो ब्लर आउट हो जाते ज़्यादा जूम करने पे तो आफ्टर गिविंग द मैग्नीफिकेशनस आल्सो तो इमेजेस जो है ना वो हमें एक माइन्यूट या फाइन डिटेल्स जो हैं वो क्लियरली शो आउट करें फिर भी डैट इज़ कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर फिर है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस होता है इन लाइट इंटेंसिटीज़ मतलब कि जो लाइट की जो इंटेंसिटीज़ है कहीं पर डार्क है कहीं पर लाइट है कहीं ज़्यादा डार्क है तो वो इंटेंसिटीज़ जो है ना उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इन इमेज एंड द एडजेसेंट बैकग्राउंड इमेज और एडजेसेंट बैकग्राउंड में आप डिफरेंस आउट कर पाओ अगर आपको सब कुछ एक ही वाइट वाइट दिख रहा है सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि वो एग्जैक्टली exactly इमेज है क्या ओके okay? तो उस इमेज को एग्जैक्टली exactly आपको देखने के लिए वो एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट में होनी ज़रूरा हो ज़रूरी हो जाता है तो उसके लिए हमें जो इमेज का हमारा बैकग्राउंड है और जो हमारी इमेज है एंड द रिलेटिव ओवरऑल बैकग्राउंड तो उन सब की जो इंटेंसिटीज़ हैं उसमें हमें डिफरेंस होना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब हमें इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ कर लिया सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज ही पता होनी चाहिए फिर तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और स्कैटर्ड भी हो सकते हैं बाय डिफ़रेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स मतलब हम जिस जिस टाइप का मैटर यूज़ कर रहे हैं जिस जिस टाइप का भी हम अपना स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्बन एंड स्कैटरिंग तो इसमें हमारे पास क्या क्या जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इनलास्टिकली स्केटेड इलेक्ट्रॉन्स इलास्टिकली स्कैटेड इलेक्ट्रॉन्स बैक स्कैटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स तो हम बात करते हैं, फिर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो अगर आपकी स्पेसीमन है आपका या आपकी जो भी स्टेज है स्पेसीमेंट से अगर आपकी जो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की वो स्ट्रेट थ्रू पास ऑन हो रही है आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक तो वो आपके हो जाएंगे ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके स्पेसीमैन से और इन इलास्टिकली स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस कर दिया उन्होंने जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की बीम थी उनकी एनर्जी कम हो गई है और वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए हैं अपने ओरिजिनल पाथ से और जो हमारे इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या है उसमें आपके एनर्जी लॉस नहीं हो रही है आपके इलेक्ट्रॉन्स की बट वो अपने पाथ से बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं इन इलास्टिकली थोड़ा सा डेविएट हो रहा है इलास्टिकली बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है अपने पाथ से और बैक केडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बैक बैक् इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं मतलब आपके स्पेसिमेन पे स्ट्राइक आउट हो करके वो रिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं तो वो आ जा रहे हैं आपके बैक केडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जो आपके एमिट आउट हो रहे हैं मतलब उनकी एनर्जी जो है लो एनर्जी हो जा रही है उनकी ठीक है मतलब अगर किसी केसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो गए एटम से एंड इंस्टेड ऑफ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड वो एब्जॉर्ब हुए और उसमें से लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट आउट हो रहे हैं तो वो हैं आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स ओके okay? देखो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है हम इससे कोशिश करते हैं आपको समझाने की देखिए हमारे पास बीच में सैम्पल है एंड ऊपर से हमारे पास एक मिनट ओके okay? सो so, हमारे पास यहाँ पे ये यह सैंपल हो गया एंड इन सैंपल के साथ में हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ ऊपर से एंड ये हमारे इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ये ऊपर हमारे बैक स्कैटर्ड ऊपर हमारे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स एंड ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे ये हमारे हेल्प करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए ओके एंड नेक्स्ट वी हैव वर्किंग इट्स तो वर्किंग में क्या है मतलब जब भी वैन एक हाई वोल्टेज जो है पास ऑन किया जाता है बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड तो जो एक टंगस्टन फिलामेंट जो है वहाँ पे वो टंगस्टन फिलामेंट आपके एमेंट आउट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं हमारे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो बीम है इलेक्ट्रॉन की वो पास ऑन होगी थ्रू स्टैक्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंसेज वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रो मैगनीटिक लेंसेज को यूज़ किया जा रहा है एंड वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो पास ऑन होगी तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की जो बीम है ना जो वहाँ से मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम पास होना शुरू हुआ हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की बीम्स हैं एंड वो कॉज करती है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हुई डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स वो जो स्कैटर हो रहे हैं स्पेसिमेन पे स्ट्राइक ऑन होकर के तो वो सब हैं हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो जब ये जो बीम है ना वो पास थ्रू होगी हमारे स्पेसिमेन से तो जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड होंगे ना और जो दूसरे बाकी सब वो सब क्या करेंगे बचे हुए वो जा कर के प्रोजेक्ट पे हमारे फोकस करेंगे ठीक है फोकस्ड करेंगे जा कर के हमारे प्रोजेक्टर पे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कलेक्ट किया जाएगा और एम्पलीफाइड किया जाएगा बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने अगर ओरिजिनली देखें तो काफ़ी स्मॉल हैं तो उस लिए उनको पहले कलेक्ट किया जाता है सबको एक साथ एक साथ कलेक्ट करके तब उन सबको एम्प्लीफाइड करके हम एक इमेज शो करते हैं ऑन रे ट्यूब और या फिर टीवी ट्यूब पे ओके okay. ये इसकी हो गई बेसिक वर्किंग एंड अगर हम इंस्ट्रूमेंट देखें इंस्ट्रोमेंटेशन देखें अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तो इसमें फर्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे है हमारे यहां द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी इलेक्ट्रॉन सोर्स को प्रोवाइड कर रही है जो कि होती है हमारी एट द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ होट ट्स टैन फिलामेंट जो कि सराउंडेड है बाय द नेगेटिवली बेस्ड शील्डेड विद एन अपर्चर अपर्चर यहाँ पे क्या है अपर्चर एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकल रहे हैं ओके okay? फिर हमारे पास रे ट्यूब रे ट्यूब क्या है थ्रू विच इलेक्ट्रॉन ट्रैवल एंड रीच द कंडेंसर लेंस जिसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे और वो रीच आउट करते हैं हमारे कंडेंसर लेंस पे अब जो हमारे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंसेज या फिर कॉयल्स हैं हमारे पास बेसिकली कॉयल्स जो हैं कौन कौन सी हैं कंडेंसर कंडेंसर लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड प्रोजेक्टर लेंस ये हमारे पास तीन टाइप के लेंसेज या कॉयल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल रिपीटली पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसमें क्या है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो फंक्शन करती है एज द मैग्नीफाइंग लेंस एंड फोकसिंग जो होता है वो एडजस्ट किया जाता है हमारा वोल्टेज से वोल्टेज ऑफ द करंट से और जो हमारा कंडेंसर लेंस है वो मेनली फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम इन द लेन ऑफ द स्पेसिमेन की जो हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम है ना वो एकदम स्ट्रेटली आकर के स्पेसिमेन पे स्ट्राइक करे बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीम को नहीं पता ना कहाँ पे जाना है तो वहाँ पे एक वैक्यूम रहता है क्योंकि वैक्यूम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं एज एट ऑफ लाइट तो वो स्ट्रेटली मूव करेंगे स्ट्रेट पाथ में तो उसको मूव कराने का काम होता है हमारे कंडेंसर लेंस का फिर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इमेज को मैग्नीफाई करेगा और फिर प्रोजेक्टर लेंस उसको फर्दर मैग्नीफाई करेगा और प्रोजेक्ट करेगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ओके okay. अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या हो रहा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वहाँ पे हमें एक मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है ना ये कोटेड रहता है केमिकल से जिसके एक्साइटेशन से हमारी इमेज जो है वो फॉर्म्ड होती है ऑन द टेलीविजन स्क्रीन पर ओके दिस इज द वर्क ऑफ द फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमारे पास वैक्यूम पंप है वैक्यूम पंप क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप कॉलम जो है हमारा उसके अंदर हमें एक पूरा एक वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है सो इट्स प्रोवाइड्स अ वैक्यूम एंड वाटर कूलिंग सिस्टम वाटर कूलिंग सिस्टम रहता है टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग क्योंकि हमारे पास जो हम बहुत सारे जो पंप्स एंड कॉल्स यूज़ कर रहे हैं ना तो ये जब वर्कआउट करते हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है तो उस ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम रहते हैं एंड अभी जो लेटेस्ट अगर हम देखें बहुत ज़्यादा एडवास होती रहती है तो अब ऑटोमेटिक कंट्रोल्स भी आ रहे हैं जो कि इन सब मशीनस को मेनटेनेंस को काफ़ी ज़्यादा सीपलर कर देते हैं वो अपने ऑटोमेटिकली ही उन सबको कूल डाउन रखते हैं ओके अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो हमारे पास ऊपर जैसे देखो इलेक्ट्रॉन गन है हमारी हमारे पास ये एनोड आ गया कंडेंसर लेंस फिर हमारे ये स्पेसीमेंट ट्रे हमारा स्पेसीमन रखा हुआ है तो स्पेसीमेंट ट्रे पे हमारा स्पेसीमन आ गया फिर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस इंटरमीडिएट लेंस इंटरमीडिएट लेंस किस लिए है अगर हम उससे मैग्नीफिकेशन क्या है इंक्रीज़ करना है फिर हमारे पास प्रोजेक्टर लेंस हमारी इलेक्ट्रॉन बीम ऑप्टिकल बाइनाक्यूलर फ्लोरस स्क्रीन जहाँ पे हमारी जो है इमेज जो है दिखेगी एंड दिस इज द लास्ट इमेज रिकॉर्डर जहाँ पे हम अपनी इमेज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ओके okay? एंड अगर हम वैसे देखें ओवरऑल कि हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने ओवरऑल समझ लिया उसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग बट अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हैं दो टाइप के हैं एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एट इज कॉल्ड ए स्टैम एंड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस इज सैन तो अब टैम क्या होता है टैम में माइक्रोस्कोप जो है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स अलाउडेड हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जा कर के ट्रांसमिट होंगे थ्रू द ऑब्जेक्ट्स मतलब कि हमारा जो भी स्पेसीमैन है उस स्पेसीमैन से हमारा वो इलेक्ट्रॉन बीम क्या है वो ट्रांसमिट हो जाएगी तो इसलिए उसको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कह रहे हैं और यहाँ पर हम ड्राइड सैंप स्पेसिमेंट्स जो है ना उन्हीं को स्टडी करते हैं क्योंकि वाटर जो है वाटर में प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक हैवी स्कैटरिंग कॉज कर सकता है इलेक्ट्रॉन की उस हैवी स्कैटरिंग की वजह से इमेजेस जो हैं वो ब्लर आ जाती है तो इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप के लिए हम ड्राइड सैंपल लेते हैं फिर हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है इमेज फॉर्मेशन हमारा होगा बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एंड इलेक्ट्रॉन डिस्पोज जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्कैटर आउट हो गए और जो डिस्पोज हो गए हैं ना वो जाकर के हमारी इमेज फॉर्मेशन करेंगे फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन की जो इमेज है उससे कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ विजिबल फॉर्म बाय प्रोजेक्टिंग ऑन द फ्लोरासेंट स्क्रीन अब हमें वो एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज दिख गई है ना वो इलेक्ट्रॉन्स आकर के स्ट्राइक आउट होकर इन्होंने एक इमेज हुआ बट वो इमेज हमें विजिबल तो नहीं है तो उसको विजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा हमारा उसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे एक फ्लोरासेंट स्क्रीन पर तो हमें वो एक विजिबल फॉर्म में दिखेंगे और यहाँ पर जो कॉलीमेटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पास ऑन होंगे थ्रू द कंडेंसर कॉयल्स एंड फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट अब बेसिक यहाँ पर हो गया रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे जो कॉलिमेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो कंडेंसर कॉल से आए और जा कर के वो ऑब्जेक्ट पे हमारे गिर गए फॉल्स ऑन हो गए हमारे ऑब्जेक्ट पे अब वहाँ जा के दे गेट स्कैटर्ड ठीक है ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करके स्पेसमैन पे स्ट्राइक करके उन्होंने वो स्टैक stack, स्टैकर्ड हो गए और ट्रांसमिटेड हो गए थ्रू द ऑब्जेक्ट और वो पास थ्रू हुए ऑब्जेक्टिव कॉल से जिस ऑब्जेक्टिव कॉल ने इमेज इमेज uh, को जो ऑब्जेक्ट की और स्पेसमैन की जो इमेज था उसको उन्होंने मैग्नीफाई कर दिया फिर फर्दर मैग्नीफिकेशन करा हमारी प्रोजेक्टर कॉयल ने और उसको प्रोजेक्ट किया ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे और जो इमेज फॉर्म हुई ना व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ट्रांसफर्ड इनटू विजिबल लाइट थ्रू एक्साइटेशन ऑफ द केमिकल कोटिंग ऑफ द स्क्रीन जो स्क्रीन पे केमिकल कोटिंग है ना उसकी जब एक्साइटेशन हुई तो उससे हमारी वो इलेक्ट्रॉन्स वाली जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हमारी विजिबल कि हम विजिबली लाइट में ताकि हम उसको इमेज को हम देख सकें ओके ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है ऊपर यहाँ हमारा एनोड है एनोड से सबसे फर्स्ट हमारे पास है कंडेंसर लेंस कंडेंसर लेंस से फिर नीचे हमारा है स्पेसिमेन स्पेसिमेन से फिर वो पास ऑन हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस पे फिर हमारे आ जाते हैं इंटरमीडिएट लेंस इंटरमीडिएट लेंस के बाद हमारा प्रोजेक्टर लेंस एंड देन लास्ट इज़ फ्लोरोसेंट स्क्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें हमारा पहले आया हमारा इलेक्ट्रॉन गन फिर एनोड कंडेंसर लेंस स्पेसिमेन ऑब्जेक्टिव लेंस इंटरमीडिएट एंड प्रोजेक्टर एंड लास्ट इज़ फ्लोरोसेंट स्क्रीन ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द अदर इज सैम सैम इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब सैम क्या है सैम हमारा यूजफुल है हमारी एक्सटर्नल स्टडी के लिए अगर हमें एक्सटर्नली स्टडी करनी है ना सैम्पल्स मतलब अपने स्पेसिमेंट की तो उसके लिए हम सैम uh, को यूज़ करेंगे और इसके लिए हम एक थिक स्पेसिमेंट भी ले सकते हैं बट टैम में हमें एकदम एकदम थिन सैंपल लेना होता है क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो पेनीटेट नहीं कर पाते उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो पेनीटेट कर सकें एक थिक सैम्पल को और उसके लिए टैम के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से ट्रांसमिट होना ज़रूरी है पेनीटेट करना तो इसलिए सैम्पल वहाँ पर बहुत ही थिन होता है अल्ट्रा थिन सैंपल और सैम में हमारा सैम्पल थिक होगा तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ उसकी सरफेस की स्टडी कर रहे हैं आउटर स्ट्रक्चर की इसको हम ऑल्सो कॉल्ड सरफेस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इसलिए कहते हैं और जो इमेज फॉर्मड होगी ना यहाँ पे बाय इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पेसीमेन जो सर के जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं उससे इमेज फॉर्म्ड होगी और जो कि हमें देगी एक टिपिकल थ्री स्ट्रक्चर ये थ्री स्ट्रक्चर हमें सिर्फ सैम दे रहा है टैम हमें टू डी स्ट्रक्चर देता है बस टैम हमें थ्री डी स्ट्रक्चर नहीं देता एंड सैम हमें दे रहा है दिस इज़ गिवन एज थ्री डी स्ट्रक्चर ओके थ्री डी स्ट्रक्चर दे रहा है हमें ये और फिर क्या है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गिरे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फॉल होंगे हमारे मटेरियल पे जिसको हम कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फॉल हो रहे हैं बेसिक फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं हमारे इमेज पे सॉरी मटेरियल पे स्पेसीमेन पे वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट आउट होंगे ना वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर और डायरेक्शन डिपेंड कर रही है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करेगी हमारे स्पेसिमेन की टोपो टोपोग्राफी पे कि मतलब हमारे स्पेसिमेन का जो आउटर स्ट्रक्चर है सरफेस है वो कैसा है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रो सेकेंड्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं एंड किस डायरेक्शन में मिल रहे हैं और फिर उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को पहले कलेक्ट करेंगे उन्हें एम्प्लीफाई करेंगे फिर उन्हें यूज़ करते हैं इमेज की फॉर्मेशन के लिए और वो होगा ऑन द फोस्फर स्क्रीन ऑफ रे ट्यूब रे ट्यूब की जो फोस्फर स्क्रीन होगी ना उसमें हमें जो हमारी इमेज है वो इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी ठीक है और जो सैम होता है ना उसमें हमारे इक्ूब रहते हैं एटलीस्ट टू रे ट्यूब्स मतलब सी आर टीज दो कैथोड्री ट्यूब्स जो हैं उसमें इक्व्ड रहते हैं सैम में एक तो होता है फॉर विजुअल एंड द अदर इज़ यूज फॉर फोटोग्राफी मतलब एक कैथोड रे वाला जो हमारी ट्यूब है वो स्क्रीन जो है वो सिर्फ उसको विजुअला विजुअलाइज करके दिखाएगा हमें और एक उसको फोटोग्राफी करेगा ठीक है और जो इमेज होगी ना इस फॉर्मड ऑन द कैथोड रे ट्यूब ऑफ द रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बाय द टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे जो सिस्टम यूज़ होता है ना सैम में वो होता है हमारा टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो टेक्निक है उससे यहाँ पे यूज़ करके इन्होंने उसको इमेज को प्रेजेंट करा है फिर देखो यहाँ पे जो हमारा सैम का जो है अगर हम सैम की देखें टेक्निक तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आपसॉन हो रही है तो एनोड से आई हमारा एनोड फर्स्ट हो गया फिर हमारे पास मैग्नेटिक लेंसेज आ गए मैग्नेटिक लेंसेज से वो पास ऑन हुई हमारी इलेक्ट्रॉन्स एंड वो स्ट्राइक करेंगे आकर के हमारे स्पेसीमैन पे ठीक है स्पेसीमैन एंड ये हमारा बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पहले हमारी स्पेसीमैन पे स्ट्राइक आउट किया उन्होंने आ कर के एंड उससे फिर हमारे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एंड जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे फॉर्म कर रहे हैं हमारी इमेज को ओके okay. तो फर्स्ट हमारा एनोड फिर हमारे lens, हमारा मैग्नेटिक लेंस हमारा स्पेसीमैन स्पेसीमैन से हमारे आए बैक स्कैटेड इलेक्ट्रॉन्स और हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और हमारे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें रिजल्ट आउट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमारी जो इमेज है वो ये फॉर्म कर रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स ओके अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें टैम और सैम की मतलब टैम और सैम को अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो इनकी हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देख सकते हैं तो टैम और सैम जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना हमें जो स्पेसिमेन लेनी है अपनी जो ऑब्जेक्ट लेनी है वो हमें नॉन लिविंग ही लेनी है क्योंकि हम यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे और इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग से हमारी उनकी डिविएशन से हमारी वो बन रही है इमेजेस वगैरह फॉर्म हो रही है तो इसलिए हम नॉन लिविंग ही यहाँ पर लेने वाले हैं ऑब्जेक्ट फिर हमारा जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है दोनों में हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन या फिर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पे एंड अगर मीडियम देखें तो हम दोनों ही वर्क कौन से कर पे हैं हाई वैक्यूम पे कर रहे हैं एंड नेचर ऑफ लेंसेज इज़ वन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फ्यू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंसेज यहाँ पर हमारे लेंसेज कैसे कैसे हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है एंड फ्यू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंसेज हैं वो डिपेंड करता है हमारी मैग्नीफिकेशन हम कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं और इफ़ अगर हम डिफरेंसेस देखें इनमें कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं हमारे इसमें माइक्रोस्कोप्स में तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ यूज इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं तो स्कैनिंग में तो स्कैटर्ड बैक स्कैटर्ड और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे स्कैनिंग में कौन सा हो रहा है स्कैटर्ड वाला और बैक स्कैटर्ड वाला अभी हमने देखा डायग्राम में और ट्रांसमिशन में सिर्फ ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है ना हम मेनली उन्हें यूज़ कर रहे हैं और अगर इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस देखें तो जो इमेज प्रोड्यूस्ड होगी आफ्टर माइक्रोस्कोप कलेक्ट्स एंड काउंट्स द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग में वो इमेज कब प्रोड्यूस होगी जब माइक्रोस्कोप कलेक्ट करेगा और काउंट करेगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को और ट्रांसमिशन में इंटरनल और बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेट डायरेक्टली अटैक्स थ्रू द सैम्पल आर द वन इल्यूमिनेटेड इन द इमेज मैक्रोम मतलब कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स uh, हैं ना जो पास थ्रू हो रहे हैं सैम्पल से वो आके इल्यूमिनेट कर रहे हैं हमारी इमेज को ठीक है और अगर हम फोकस करें एनालिसिस पे अगर हम फोकस देखें फोकस ऑफ एनालिसिस तो यहाँ पे सैम्प सरफेस ऑफ सैंपल मतलब जो सैंपल का जो सरफेस है ना एग्जाम्पल जैसे कि फ़ाइन हेयर हो गया हाउस फ्लाई होगी मतलब हाँ हेड ऑफ़ पेन मतलब जो छोटी छोटी बारीक बारीक जो चीज़ें हैं ना हमारी और उनका हम सरफेस देखना चाहते हैं आउटर स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहते हैं किसी भी आ, सेल्स वगैरह का तो हम मेनली उन सैम्पल्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं और यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है इंटरनल और बियॉन्ड सर्फेसिस अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहें या बियॉन्ड सर्फेसिस देखना चाहें जैसे कि वायरस हो गया ऑर्गेनलीज होगी एटम्स माइक्रोमोलिक्यूल्स तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे टैम में कंसिडर किया जाता है और जो हमें इमेज प्रेजेंट होती है इमेज जो हमें मिलती है वो कैसे मिलेगी सैम में हमें मिलेगा एक थ्री डी इमेज स्ट्रक्चर एंड इन टैम वी विल गेट ओनली द टू डी इमेज हमें सिर्फ टू डी इमेज ही मिलेगा टैम में ओके okay? एंड अगर हम सैंपल uh, की प्रिपरेशन देखें देखो सैंपल प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है तो सैंपल प्रिपरेशन सैम के लिए जो सैंपल होगा ना उसे स्टेन करना पड़ेगा बाय इलेक्ट्रॉन डेट कैप्चर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मतलब उसे हम स्टेन करेंगे उस एलिमेंट से जो कि कैप्चर करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जैसे कि एलोए ऑफ गोल्ड प्लेडियम ठीक है जो एलॉय है ना गोल्ड प्लेडियम का उस मटेरियल से उस एलिमेंट से हम उसे स्टेन करेंगे मेटी अपने सैंपल को सैंपल क्या थोड़ा थिक होगा तो भी चलेगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एंड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमारा सैंपल है ना इट मस्ट बी कट एक्सटर्नली थिन उसको बहुत ज़्यादा थिन काटना है और इलेक्ट्रॉन स्टेनिंग से हम उसको स्टेन करते हैं ठीक है योग्य हमारे डिफ्रेंसेस हम यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप का भी कंपेरिजन है साथ में देखो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स दोनों में कॉमन है कंडेंसर लेंस एंड यहाँ पे कंडेंसर लेंस दो हो रहे हैं यूज़ सैम में और जो हमें इमेज मिल रहा है डेट इज़ द थ्री डी इमेज यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें सिर्फ टू डी इमेज ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एंड यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है प्रोजेक्टर लेंस भी यहाँ पे हमें यूज़ हो रहा है एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर लेंस यहाँ पे तीनों लेंस यूज़ हो रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास है कंडेंसर लेंस ओके एंड स्कैनिंग कॉयल हमारी स्कैनिंग कॉयल यूज हो रही है बीच में ओके okay? ये हमारा हो गया एक मतलब अगर हम इसका एक ओवरऑल डिफरेंसेस देखना चाहें डिफरेंसेस या सिमिलाज क्या क्या हैं इन दोनों में फिर हमारे पास एक और एक एडवांस टेक्निक है स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसको हम स्टैम भी बोलते हैं स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये एक मॉडिफाइड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये एक मॉडिफाइड वर्जन है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये क्या है इस प्रोवाइडेड विद सूटेबल होल फॉर थिन स्पेसिमेन थिन स्पेसिमेंस के लिए वहाँ पर एक सूटेबल होल रहता है टू रिसीव द ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन इमेज ताकि वो ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सके और एक इमेज को फॉर्म कर सके और जो मेन यूटिलिटी है वो स्टैम्प की वो क्या है कि इट्स एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंटली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंटली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज देखी थी डिफरेंटली स्कैटर्ड हुए थे इलेक्ट्रॉन्स तो उन सब चीज़ों को ये हैंडल आउट कर सकता है तो उसके हम एडवांटेजेस देखें अगर हम जो डिटेक्टर सिस्टम है ना इसका तो सेपरेटली डिटेक्ट कर सकता है स्कैटर इलेक्ट्रॉन को अनस्कैटेड इलेक्ट्रॉन्स को और जो इलेक्ट्रॉन्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स मतलब उन दोनों को वो अलग अलग भी हैंडल आउट कर सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स के तौर पे भी वो हैंडल आउट कर सकता है और ये क्या है इस फ्री ऑफ क्रोमैटिक एब्रेशन मतलब यहाँ पे जो क्रोमैटिक एब्रेशन वगैरह कई बार हो जाते हैं माइक्रोस्कोप्स में तो उन सब चीज़ों से ये फ्री रहता है बिकॉज एज देयर आर इमेज फॉर्मिंग लेंसेज यहाँ पे जो इमेज फॉर्मिंग के लिए भी लेंसेज प्रोवाइडेड हैं तो ये क्या है ये प्रोवाइड करता है हमें एक क्लियर इमेज इवन ऑफ थिक स्पेसिमेन अगर स्पेसिमेन थिक होगा ना तो उसकी भी हमें एक क्लियर इमेज यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगी एंड प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बेटर कॉन्ट्रास्ट विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की हेल्प से ही यहाँ पर हमें एक बेटर कॉन्ट्रास्ट की पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है अगर हम मेन आर्ट इफेक्ट्स देखें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उसमें आर्ट इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं तो पहले आर्ट इफेक्ट्स क्या क्या होता है आर्ट इफेक्ट ना एक डिफेक्ट होता है मतलब अगर हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है ना उस टाइम पर अगर कोई डिफेक्ट आ गई मतलब कोई कमी आ गई तो उस वजह से तो उसमें क्या है ड्यू टू डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन या तो कंस्ट्रक्शन डिफेक्टिव है उस माइक्रोस्कोप की या फिर लेंसेज में डिफेक्ट है या टेक्निक हमने फॉल्टी है तो उन वजह से क्या है यहाँ पे क्या है एक आर्ट इफ़ेक्ट आ जाता है तो इसमें एब्रेशंस होती हैं अब एब्रेशंस ड्यू टू इलेक्ट्रो मैगनेटिक लेंसेज अब एब्रेशंस जो होंगी ड्यू टू इलेक्ट्रो मैगनीटिक लेंसेज इसमें क्या होगा इसमें पहले आता है हमारा एक स्पेरिकल ऐब्रेशन अब स्पेरिकल एब्रेशन क्या है स्पेरिकल एबलेबलेन में हमारा जो आउटर uh, जोन है ना लेंस का हमारे लेंस uh, का जो आउटर जोन है हैज़ अ स्ट्रॉगर मैग्नेटिक फील्ड उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपैरिजन टू द फील्ड नियरर द एक्सियल सेंटर जो हमारा एक्सियल सेंटर होगा ना उससे हमारा जो आउटर फील्ड है उसकी जो जोन मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉग हो जाती है तो उससे क्या होगा जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना ऑफ द फॉर्मर फील्ड क्लोजर टू द लेंसेज अब जो वो इमेज फॉर्मेशन होगा फॉर्मर फील्ड का वो लेंस से क्लोज़र हो जाएगा तो उसकी वजह से जो हमारा इमेज फॉर्म्ड होगा ना बाय सेंट्रल एक्सेस मतलब जो हमारी इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो हमें क्लोजर दिखेगी इमेज फॉर्म बाय द सेंट्रल एक्सिस सेंट्रल एक्सिस से जो इमेज फॉर्म्ड होगी और जो हमारी फॉर्मर साइड वाली बाउंड्री वाली जो इमेज फॉर्म होगी ना वो तो साइड वाली हमें फिर क्लोजर दिखाई देगी बीच वाली इमेज से ठीक है ये होता है हमारा स्पेरिकलेब्रेशन में फिर हमारा है एस्टिक मेटीज़म अब एस्टिक मेटीज़म में क्या है इसमें हमारा होता है अन ईवन फोकसिंग ऑफ एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लेंस हमारा जो मैग्नेटिक लेंसेज है ना उससे हमारा जो है अन ईवन फोकसिंग एक्शन हो जाता है तो इसमें क्या है अन ईवन बोर ऑफ द कोयल मतलब अगर हमारा जो कॉयल का जो बोर है वो अन ईवन हुआ या फिर अगर डर्ट वगैरह प्रेजेंट है हमारे अपर्चर पे या फिर लेंस पे तो उस वजह से हमारा जो है हमारा यहाँ पे अनइवन फोकसिंग हो जाती है मतलब हमारी जो फोकसिंग है ना फोकसिंग का जो एक्शन है वो क्लियरली नहीं होता तो उस वजह से हमें कई बार क्या है दो शार्प इमेजेस दिखते हैं अगर हमें दो शार्प इमेजेस दिख रही हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर वो दोनों इमेजेस एक दूसरे के राइट right एंगल पे होंगे और डिफरेंट डिफरेंट फोकसिंग पे हमें वो इमेजेस मिलेंगे तो उस चीज़ को हम एस्टेगमेटिज्म के तौर पे पहचान सकते हैं कि हाँ ये इशू रहा होगा इसलिए हमें ये इमेजेस ऐसी दिख रही हैं फिर है हमारे पास में क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या है वेरिएशन इन वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी वोल्टेज या फिर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रही हैं उनकी वेब में इलेक्ट्रॉन बीम्स की तो उस वजह से हमारा फिर आता है क्रोमेटिक इसमें क्या हो रहा है ये कोर्स कर रहा है इन द फोकसिंग पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के फोकसिंग पॉइंट्स पे वेरिएशन कोर्स कर रहा है और जो फोकल लेंथ है ना वो डिपेंडेंट है ऑन सेवरल फैक्टर्स अब उस फोकल लेंथ को भी हम मतलब डिपेंड होती है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे जैसे कि हो गया भाई फोकल लेंथ हो गया कॉन्सटेंट वोल्टेज आई करेंट बिकॉज फोकल लेंथ का फॉमला क्या है एफ इज इक्वल्स टू के वी बाय में आई स्क्वायर तो इसलिए सब चीज़ें इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर जाती है हमारी फिर क्रोमेटिक एब्रेशन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन के बाद हमारा फिर क्या है आर्टिफैक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बीम अब हमारे अगर इलेक्ट्रॉन बीम की अगर कोई आर्टिफैक्ट्स है तो तो उससे क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कॉज करता है कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द स्पेसीमन अब स्पेसीमन क्या है बहुत ज़्यादा वो हीट हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा फोकस एक्शन होगा ना तो वो स्ट्रांगली फ़ोकस करेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फ़ोकस करेगा तो उसकी वजह से एब्जॉर्बशन अगर एनर्जी की उन्होंने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे हमारा आ, कई बार सैंपल जो है ना वो आ, बर्निंग वगैरह की उससे या फिर थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है वो सैंपल ज़्यादा ओवर ड्राई हो जाता है तो उससे हमारी इमेज जो है वो ब्लर आ सकती है और हमारा कई बार सैंपल्स जो हैं उनकी जो डिटेल्स वग़ैरह होती हैं अंदर फाइनल डिटेल्स वो भी डिस्ट्रॉयड आउट हो जाती हैं फिर है हमारे पास ड्यू टू फोकसिंग अब हमारी फोकसिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है तो अगर हम आ, मतलब बिफोर रीडिंग या फिर फोटोग्राफी फिल्म इन सबके से पहले ही हम उसकी फोकसिंग वगैरह को चेक करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम आ, देखें कि हम एग्जैक्ट पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं तो जो हमारी इमेज जो फॉर्मड होगी ना तो वो उसमें कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है इतना अच्छे से नहीं दिखेगा हमें या फिर अगर हम उसको स्लाइटली लेंस उसका जो है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है तो हमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता है तो ज़रूरी हो जाता है हमें फोकसिंग के लिए कि एक गुड कॉन्ट्रास्ट हो तो उसकी वजह से हमें उसमें एक एक्स्ट्रा मतलब आ, हम उसमें लेंस वगैरह हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी जो फोकसिंग और जो कंट्रास्ट है ना वो हमें एक क्लियर इमेज दे सके ठीक है तो ये सब हो गए हमारे जो आर्टिफैक्ट्स या डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी लेंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से और हमारे फोकसिंग की वजह से अगर हमने फोकस अच्छे से सेट नहीं करा है अपने माइक्रोस्कोप का ठीक है और उसके यहाँ अगर हम एप्लीकेशन देखें ओवरऑल क्या क्या हो सकते हैं तो एप्लीकेशंस में हमारे फॉरेंसिक साइंस की अगर हम एप्लीकेशंस देखें बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो हम बेसिक अपने फॉरेंसिक के एप्लीकेशन पर मेनली यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो डेट इज़ शॉर्ट गन हम जी एस आर से यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्लोथिंग फाइबर fiber, मतलब फ़ाइबर्स में जो फाइबर्स uh, वगैरह देख सकते हैं इंक एंड पेपर अगर हमें इंक की कंपोजिशन या पेपर अगर क्वालिटी वगैरह देखनी हो तो वो कर सकते हैं हम इसमें फिर है हमारे पास सॉयल एग्जामिनेशन एक्सप्लोजिव मटेरियल एग्जामिनेशन पेंट एग्जामिनेशन एंड ग्लास एग्जामिनेशन ये सब एग्जामिनेशन क्या है ये सब आते हैं हमारे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओके सो दिस इज़ ऑल इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कंप्लीट होता है ओके सो थैंक यू एवरी वन एंड अब मैं आपको ना टॉपिक के जो टॉपिक हम भी करेंगे तो उस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको एम सी क्यूज़ उस टॉपिक के रिलेटेड प्रोवाइड करती रहूँगी ओके तो एम सी क्यूज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आप टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए ओके सो दिस इज़ ऑल थैंक यू एवरीवन